नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया था और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, देखिए इसका बोर्ड भी सही था, इसका बैटरी भी सही था और इसका जो स्पीकर भी सही थे, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही हम इसको ऑन करते थे तो ऑन करने के बाद इसमें क्या होता था कि एकदम से ये ऑफ हो जाता था, यानी कि बार बार ऑन ऑफ होता था। और इसके अंदर जैसे ही हम इसको ऑन कर देते थे, जैसे ही पेन ड्राइव वगैरह लगाते थे, तो इसके अंदर से साउंड जो है एकदम से बंद हो जाता था और ऐसे लगता था कि जैसे बैटरी हमारी ख़राब हो गई है या हमारे बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ इस तरीके से करता था। तो देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, अब देखिए बैटरी भी आपने वोल्टेज चेक कर लिया, आपने बोर्ड को भी चेक कर लिया, बोर्ड भी प्रॉपर काम कर रहा है, स्पीकर को चेक कर लिया, स्पीकर भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई इसके अंदर दोस्तों, देखिए अब जैसे ये बैटरी कनेक्टर हमारा इस तरीके से लगता है, देखिए इस तरीके से बैटरी कनेक्टर लग गया, तो इसके अंदर क्या था कि ये बैटरी कनेक्टर यहीं से लूज हो गया था। अब जैसे ही हम इसको ऑन करते थे, ऑन करते इसके अंदर स्पीकर जैसे ही वाइब्रेशन करता था तो ये कनेक्टर जो है वो हिल जाता था। अब इस कनेक्टर के अंदर से देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हो कि जैसे कि ये कनेक्टर लगा हुआ है तो यहाँ से वायर को कट करके और डायरेक्ट ही यहाँ पर सोल्डिंग कर दें तो आपका जो सोल्यूशन है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और मेरे को जो दोस्तों कमेंट में भी बताना कि कभी किसी भाई के पास ऐसा अगर फॉल्ट आया है उसको इस तरीके से क्लियर करा है नहीं करा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इन दोनों को बाहर निकालता हूँ और देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम वो आती है कहाँ से आती है। देखिए देखिए ये इसके अंदर जो पिन है, ये देखिए ये जो पिन है, अब इसके अंदर जो है ये कभी कभी क्या है, इसके अंदर जो ये फैल जाती है, यानी कि ये जो पिन है हमारी थोड़ी सी ये चौड़ी हो जाती है और इसके अंदर जब हम इस तरीके से पिन को लगाते हैं, देखिए मैं एक लगा के दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे ही हम इस पिन को इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं तो ये लूजिंग हो जाती है, और लूजिंग के कारण क्या होता है, इसके अंदर बार बार जो हमारा सेट जैसे ही ऑन करते हैं वो बंद हो जाता है, फिर हम ऑन करते हैं फिर चालू हो जाता है, तो इस तरीके से उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, जबकि हमारा जो है स्पीकर में सारे ही कंपोनेंट सही होते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।